तो डॉक्टर ने, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं थोड़ा सा वीडियो किचन में कुछ बनाई हूँ, वो आप लोग से शेयर करूँगी। बट एक बात बताना है, कल मेरा तबीयत बहुत अचानक से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो मैं हॉस्पिटल चली गई। और हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने, मेरे शोल्डर में बहुत दर्द था, शोल्डर में दर्द था, फिर जहाँ पे हार्ट रहते वहाँ पे ज़्यादा दर्द था। तो डॉक्टर को बोली तो डॉक्टर ने मेरा ईसीजी लिखा, ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो डॉक्टर ने ईसीजी लिखा, उसके बाद एक्सरे किए, तो रिपोर्ट करवाई। तो आप लोग तो सोचोगे ऐसे ही झूठ बोल रही है, तो बस बैठी थी, अच्छा नहीं लग रहा था तबीयत, तो थोड़ा सा किचन में खाना बनाई, और उसके बाद सोची अपने दोस्तों से शेयर करूँ कि थोड़ा मन अच्छा लगे। आप लोग कुछ सुझाव दो, मैं कैसे क्या करूँ कि मैं हेल्दी रहूँ। तो से तो आगे से एक बीमारी है, ये और एक बीमारी आ गया मेरे पास। तो यहाँ पे ईसीजी करवाई, तो ये देखिए हार्ट का ये ईसीजी करवाई, तो यहाँ पे हार्ट बड़ा हो गया है डॉक्टर ने बोला। और उसके बाद एक्सरे किया, एक्सरे करवाए, ये देखिए, तो एक्सरे करवाए, तो एक्सरे में वही यहाँ पे शोल्डर में पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो थोड़ा सा ये हो गया, क्या बोलते हैं उसे, मतलब फ्रैक्चर नहीं हुआ, मतलब ऐसे, मतलब कुछ भारी उठा ली तो उससे स्क्रैच हो गया, मैंने स्ट्रेच नहीं हो जाता वैसे हो गया है। तो ये भी रिपोर्ट, तो यहाँ पे ये आया, तो इसलिए और मेरा तबीयत अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं थोड़ा सा किचन में खाना बनाई और सोची दोस्तों लोग से शेयर करूँगी तो थोड़ा मेरा मन अच्छा लगेगा। तो जब आप लोग से कुछ भी बात शेयर कर लेती हूँ तो आप लोग तो मेरे फैमिली जैसे हो, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्स लगता है दोस्तों। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं तक है, कैसा लगा व्लॉग जरूर बताइएगा, और अपना ब्लेसिंग दीजिएगा कि मैं जल्दी से अपने बीमारी को फाइट करके मैं अपने बीमारी से जीत हासिल करूँ। और उसके बाद चलिए मैं बनाती हूँ परवल की, परवल का भरवा बनाती हूँ। तो चलिए आप लोग कैसे बनाते हो बताइएगा, बट मैं बहुत सिंपल तरीक़े से परवल का भरवा बनाई, और उसके बाद आज से परवल का भरवा बनाई। तो चलिए किचन में और परवल का भरवा बनाते हैं। यहाँ पे मैं हॉस्पिटल आ गई हूँ, बोली ना रात को मैं हॉस्पिटल गई थी तो वहाँ ज़्यादा सूट नहीं कर पाई, तो यहाँ मैं गाड़ी में हूँ और थोड़ा सा रास्ता का दिखा दूँगी, उसके बाद किचन में चलिए बनाते परवल का भरवा। दोस्तों परवल का भरवा बनाने के लिए पहले ये परवल को थोड़ा सा उबाल ली हूँ, और उसके बाद उसके अंदर का जो रहता है पार्ट वो निकाल ली हूँ, ब्राउन हो गया है, प्याज में ये रख के इसे अच्छी तरह से भूनूंगी। और उसके बाद इसमें जो रेगुलर मसाले हैं, जो रेगुलर मसाले हैं वो रखेंगे, ये स्टफिंग करने के लिए मसाला बना रहे हैं, तो जो रेगुलर मसाले हैं वो रखेंगे। यहाँ पे अदरक लहसुन कूच ली हूँ, यहाँ पे सब मसाला रखा गया, अब स्टफिंग को अच्छी तरह से भून भून के लाल कर लेना है। दोस्तों तो यहाँ पे स्टफिंग करेंगे, ये इसमें इसको ऐसे खोलेंगे और इसमें स्टफिंग करेंगे। दी हूँ यहाँ पे पेन चढ़ा दी हूँ, अब इसमें
परवल का भरवा बन गया, कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा आप लोग, और आप लोग भी घर में बनाइए और खाइए। यहाँ पे ऑमलेट बना दे रही हूँ, हस्बैंड को ऑमलेट खाने का मन था तो ऑमलेट भी बना दे रही हूँ। यहाँ पे परवल बनाई थी और यहाँ पे ऑमलेट बना दे रही हूँ। उसके बाद दाल है, बैंगन की सब्जी है, तो खाना सब करेंगे तो आप लोग को भी दिख दोस्तों। तो देसी स्टाइल में आज का खाना यही है, तो हम लोग जा रहे खाना खाने।